हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू मैट्रिसेस का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या है इधर, इफ मैट्रिक्स ए गिवन 2x2 टू रोज एंड टू कॉलम, देन ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू जीरो है। फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू क्या है इधर फाइंड कर रहे हैं। इधर फोर ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर करेक्ट है। लेट अस सी। ओके, सो फर्स्ट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ए मैट्रिक्स दिया है इधर, सो ए क्या है इधर 3 2 1 1 है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, फिर से ए लिखना पड़ेगा 3 2 1 1। ओके, प्लस एक्स इंटू मैट्रिक्स ए अगेन 3 2 1 1, प्लस वाई है वाई इंटू आई, आई मीन यूनिट मैट्रिक्स, सेम ही ऑर्डर लेना है 1 0 0 1, दैट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए इधर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, कैसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, मतलब 3 × 3 लेना है इधर। सो 3 × 3 इधर 9 हो गया, प्लस 2 × 1 प्लस 2 इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, 3 × 2 6, 2 × 1 दैट इज ए 2। ठीक है, बाद में सेकेंड रो आएंगे और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स लेके मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3 3 प्लस 1 × 1 1 ओनली। बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2 ओनली प्लस 1 × 1 1 ओनली, ये हो गया। देन प्लस इसको ऐसे लिखेंगे 3 2 1 1 प्लस वाई इंटू 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अभी, देखिए इसके बाद क्या करना है अभी, नंबर को ऐड करना है, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3। ओके, प्लस उसके बाद एक्स को अंदर ले लो, हर एक एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 3x 2x x x, देन प्लस y को हर एक एलिमेंट को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 1 y 0 0 y दैट इक्वल टू जीरो। अब इधर मैट्रिक्स है ना, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, हर एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, सो दैट इज ए क्या मिलेगा हमको इधर, 11 + 3x + y इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद एंड सेकेंड फर्स्ट, हर एक मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट लेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, द 8 + 2x दैट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, कोई भी ले लो, 4x 4 + x इक्वल टू जीरो ऐसे भी आएगा, वह 3 + x + y इक्वल टू कोई भी ले लो, हाँ सेकेंड रो का वो भी एलिमेंट ले लो, हमको x एंड y सेम ही मिलेगा इधर, सिर्फ हम फर्स्ट रो का ही लेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखिए, दिस इज इक्वल कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, हाँ बाद में इसको लेंगे 8 + 2x। नाउ देयरफॉर 8 + 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -8 हो गया। ओके, x इज इक्वल टू -8/2, 2 × 1 = 2 4 दैट इज x इज इक्वल टू -4 मिल गया। सो x का वैल्यू हमको मिल गया -4। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x के वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट 1। ओके, एक्स वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 11 + 3x, एक्स की जगह -4 लिखेंगे, प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज 11 - 12 प्लस वाई इक्वल टू जीरो, सो -1 प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज -1 को इस साइड भेजेंगे ना, देयरफॉर वाई इक्वल टू +1 मिल गया। सो क्या देयरफॉर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू -4 वाई इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन क्या, कौन सा मिल गया, ऑप्शन ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। अगर आप 4 + x + 0 लिया तो x इक्वल टू -4 हो गया, 4 आएगा सेकंड रो का बोर्ड में, 3 + x + y इक्वल टू 0 करके लेके x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमको y इक्वल टू +1 मिलेगा। कोई भी ले लो, फर्स्ट रो का ले लो या एलिमेंट सेकंड रो का एलिमेंट ले लो, हमको x एंड y वैल्यू का सेम ही मिलेगा। सो x इक्वल टू -4 y इक्वल टू +1 ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए,
सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।